न्यूज अब सब पर है नजर हमारी। सर क्या आप बताएंगे आप किस मैनोफेस्टो के तहत आपकी पार्टी विधानसभा चुनाव में उतरी है, आपका मुद्दा क्या है चुनाव में आपकी पार्टी का? जो वर्तमान सरकार है, निकम्मी सरकार है, झूठा लूट की सरकार है, भ्रष्टाचार की सरकार है, जनता उब चुकी है, जनता परिवर्तन चाहती है, इसी के लिए मैं इसके रखने की सरकार चाह रही है कि सरकार फटे बदले और हमारी सरकार बने, सरकार दूसरी सरकार बने। जिस वक्त शिक्षा खत्म, स्वास्थ्य खत्म, रोजगार खत्म, किसान खत्म, मजदूर खत्म, बिना घूस के पैसा नहीं, बिना पैसा के वो काम नहीं, न कहीं आपको शराबबंदी, बालूबंदी, सब कर करके सब कुछ राखा धर दिया सरकार इन्होंने, रोजगार खत्म हो गया गरीब लोगों का, किसान का किसानी खत्म हो गया, आज अनाज का कोई रेट नहीं है, जब किसान कहाँ से निकलता है अनाज तो उसका रेट हो जाता है और किसान का रहता है उसको अनाज सस्ता बिकता है, इससे जनता उग चुकी है, हत्या का ही हालत है, बलात्कार का ही हालत है, सारे मतलब प्योर झूठा लूट की सरकार है, इससे सब पूरा बिहार की जनता त्रस्त हो गया है, पलटू राम तो है ही, सिर्फ कुर्सी राम चाहिए इनको, जनता के दुख सुख से मतलब नहीं है, करीब करीब हम आज 4 दिन से करीब 10-15-50 घूम चुके हैं, साफ देखा हम, साफ स्पष्ट देखा जो कि जातिवाद का बू आ रहा है, जहाँ पर जदयू के वोट है, जदयू क्या उस जाति का गाँव है, वहाँ गली चमचम कर रहा है, रोड चमचम कर रहा है, जब वहाँ पार करता है घूमने में, जब दलित का टोला है, वहाँ दलित का टोला है, अति पिछड़ा का है, जादव का है, एक नर्क बना हुआ है, एक सुशासन बाबू है, जहाँ तक नल जल की योजना का काम है वो भी देखा, उसमें 95-90% लूट है, कहीं पानी नहीं है, कहीं भर में थोड़ा पानी जमा हुआ है, कहीं नल नहीं चल रहा है, टोला जुड़ा हुआ है, ये सब झूठ की सरकार से सारे जनता त्रस्त हो गई है, परिवर्तन चाह रही है, तराई तराई है, किसान मजदूर जात पात सब जाट करके इन्होंने सबको बर्बाद कर दिया है, एक दूसरे को ला दिया है, बहुत गिलानी होता है जब गांव में घूमते हैं हम लोग, बगल मुखिया जी बैठे हुए हैं, ऐसा कभी नहीं होता है, हम समझते हैं ऐसा कोई विधायक नहीं होगा हर से जैसा, ऐसा गलत सोच का विधायक को नहीं होगा, 40 साल से विधायक है और उसके बाद भी उस क्षेत्र का जनता त्राही माँ है, 15 साल से नीतीश जी की सरकार है, उसके बाद लोग तबाह है, उसके बाद 15 साल बना 15 साल करते हैं, ये कौन से न्याय है, धोखा है, ये धोखा से नीतीश कुमार का धोखा लोग भूल गया है, हम लोग समझ गया है, किसी भी सारे गरीब गुरबा सभी जाति के लोग कि भ्रष्ट सरकार को, ये झूठी सरकार को, ये कुर्सी सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। अभी हाल ही में राजग गठबंधन के नेताओं ने घोषणा की अपने मैनिफेस्टो में 19 लाख युवाओं को रोजगार दिया जाएगा, क्या यह चुनावी लॉलीपॉप है? जो राजग गठबंधन ने हमारे बिहार के युवाओं के लिए 19 लाख रोजगार देने का वादा किया अपने चुनावी घोषणा पत्र में, इसमें आपको क्या नजर आता है? झूठ झूठ है इंडिया का ना? जी हाँ, तो 100% झूठ, जब 15 साल में कुछ नहीं कर सका अब क्या करेगा, जब 15 साल में कुछ नहीं किया इन्होंने, झूठ बोल करके वोट ले करके अबरी फला करेंगे, इतना के नौकरी देंगे, रोजगार देंगे, नीतीश कुमार क्या बोले थे याद है 2005 में जंगल राज के नाम पर वोट उन्होंने लिया, क्या बोला था कि बिहार को भ्रष्टाचार से मुक्त करेंगे, अपराध मुक्त बिहार बनावेंगे, कृषि को हरियाणा बना देंगे, शिक्षा में अब्बल होगा, 10 लाख युवाओं का नौकरी हर साल देंगे, रोजगार में अब्बल होगा, किसान का दोगुना लाभ होगा, मजदूर का दोगुना बढ़ेगा, क्या हुआ? एक आध वादा पूरा हुआ,
देखिए यहाँ के जनता है झूठ के फेरा में फंस जाती है, जात के नाम पद पर आज सब पछता रहा है, जो वोट दिया वही पछता रहा है और नहीं दिया वही पछता रहा है। तो वोट नहीं दिया उसको तो लगता है कि उसका वोट नहीं दिया था पछता रहा है। अब तो स्थिति है 15 साल में कि वोट दे के लोग पछता रहा है, इसलिए लोग उठ चुका है, परिवर्तन चाह रहा है लोग।